अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ दो न्यूज़ शेयर करूँगा। एक तो सोशल मीडिया पे अभी स्कूल क्लोजिंग के हवाले से जो न्यूज़ चल रही है, काफ़ी न्यूज़ ये जी चल रही है कि स्कूल और कॉलेज जो हैं वो दोबारा हो रहे हैं। तो इस हवाले से जो हमारे वज़ीर तालीम हैं पंजाब के मुराद राज साहब, उन्होंने जो है वो इस पर ट्वीट कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया है। तो ये अब चीज़ वाजे हो चुकी है। द फॉलोइंग फेक ट्वीट एंड सर्टेन फेक मीडिया हैज़ जस्ट प्लेन लायर्स, द स्कूल्स आर नॉट क्लोजिंग, नो डिसीजन हैज़ बीन मेड फॉर अनाउंसड विद रिगार्ड्स टू क्लोजिंग, स्कूल्स आर ओपन एंड रनिंग एज शेड्यूल। तो यहाँ पर ये चीज़ जी वाजे कर दी गई है कि स्कूल और कॉलेज बिल्कुल अभी क्लोज़ नहीं हो रहा है, ना इस हवाले से कोई फैसला किया गया है। और जो भी सोशल मीडिया पे इस हवाले से न्यूज़ चल रही हैं वो बिल्कुल फेक हैं, झूठी हैं। तो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे इस हवाले से, तो ये बिल्कुल झूठ है। और दूसरा जी, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट है कि जो हमारा जो सिलेबस है, इसमें जो है ना वो सिलेबस गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया कि 2021 में इंशाल्लाह इस पर अमल दरामद भी होना शुरू हो जाएगा, कि तमाम जो गवर्नमेंट और प्राइवेट प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज हैं उनका सिलेबस जो है वो यकसां तालीमी निज़ाम जो है वो बनाया जाए। इस हवाले से मीटिंग भी हुई है, इसमें यह फैसला किया गया कि इस पर अमल दरामद जो है वो करना शुरू कर दें। जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि गरीब के स्टूडेंट्स के लिए और सिलेबस होता है और अमीर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और सिलेबस होता है, तो ये भी अच्छा अपडेट है। इंशाल्लाह अगर ये इस पर अमल दरामदगी हो जाती है और यकसां निज़ाम तालीम जो है वो हमारे मुल्क में नाफज हो जाता है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसमें ये होगा कि जो अमीर स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम पढ़ के जो है वो आगे कामयाब हो जाते हैं, और बाकी जो गरीब स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इन चीज़ों को, वो पीछे रह जाते हैं, वो आगे मेरिट उनका नहीं बनता। तो इस हवाले से अगर गवर्नमेंट इस पर अमल दरामद करवा लेती है और पूरे मुल्क में ये निज़ाम अगर हो जाता है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है, ख़ास करके वो स्टूडेंट जो मीडियम तबके के होते हैं जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। इंशाल्लाह इस हवाले से कोई मज़ीद अपडेट हुआ तो वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो फाइनली जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।